बड़े बड़े चौधरी मर जाते हैं, मलक महर राजे महाराजे और नवाब मर जाते हैं, बड़े बड़े खान मर जाते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर मर जाते हैं, जनरल और ब्रिगेडियर मर जाते हैं, सदर और वजीर मर जाते हैं, मगर आप लोग देखते हैं कि मैयत के नाक में ना रूई ठूस दी जाती है, यहां से पीप और खून बहना शुरू हो जाता है और मुंह बांध दिए जाते हैं, क्योंकि मुंह खुल जाता है और मुंह से रतूबत गंदी निकलना शुरू हो जाती है, चेहरा भयानक लगता है, डर लगता है चेहरे को देखो तो, ऐसा होता है कि नहीं होता, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मगर वो आश्क के रसूल कि जिसके तन से मन तक मोहम्मद अरबी का रंग चढ़ा हुआ था, तो तीन दिन उस आशिक की मैयत पड़ी रही, तीसरे दिन जब जनाजा उठा तो 1,60,00,000 बंदे ने देखा कि उसका चेहरा गुलाब और मोती को भी शर्मा रहा था। तो ये हमें दिखाया गया, ये बताया गया कि जो ताजदारे कायनात के वफादार बन जाते हैं, जो हुजूर के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें फिर मदीना पाक से यूं खैरात मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तुम्हारे लिए सबसे बेहतर मेरे हबीब की जिंदगी में नमूना। अच्छा, हमें उसने क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी बंदगी यानी अपनी इताअत के लिए पैदा किया कि मन चाहे पे ना चले, मेरे चाहे पे चले, मैं इसलिए पैदा किया।